दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे फलों के बारे में जो किसी शुगर के मरीज को खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। तो हम ऐसे पांच पांच फलों की खोज करेंगे जो शुगर के मरीजों के लिए अच्छे हैं, जो खा सकते हैं, और ऐसे पांच फल जिनको शुगर के मरीजों को खाने से बचना चाहिए। तो बने रहिए आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में, थोड़ा डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। और मुझे पता है कि जो डायबिटिक हैं, जिनको ब्लड शुगर है, उनकी इच्छा होती है कि हम कौन सा फल खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं। तो उसके लिए देखिए, आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला होता है ग्लाइसिमिक इंडेक्स। तो जो भी हम भोजन खाते हैं, चाहे वो फल है, सब्जियां हैं, कोई भोजन है, उन सबका एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से ग्लाइसिमिक इंडेक्स डिसाइड किया है, वो जो 1 से 100 तक हो सकता है। और दूसरा होता है ग्लाइसिमिक लोड। तो अगर आप इन दो चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपको ये डिसाइड करने में या समझने में देर नहीं लगेगी कि आपको कौन सा फल खाना चाहिए और कौन सा फल नहीं खाना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे। पहले बात करते हैं ग्लाइसिमिक इंडेक्स के बारे में। ग्लाइसिमिक इंडेक्स को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि किसी भी भोजन में या फल में जो भी शुगर की मात्रा होती है, वो कितनी तेजी से आपके शरीर में, खून में एब्जॉर्ब हो जाती है या मिल जाती है। तो जिस भोजन में या जिस फल में जितना भी शुगर की मात्रा है, जितनी तेजी से आपके खून के अंदर जाता है, उसका उतना हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स होता है। तो जिन भोजनों में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, उनका ग्लाइसिमिक इंडेक्स कम होता है। जिन भोजनों में शुगर की या चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है और फाइबर की मात्रा कम होती है, उनका ग्लाइसिमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। दूसरा होता है ग्लाइसिमिक लोड। तो आपको अगर ग्लाइसिमिक लोड पता है किसी भी भोजन का, फल का, सब्जी का, तो आप आसानी से ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इसको खाना है या नहीं खाना है। ग्लाइसिमिक लोड निकालने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो उस फल का या उस भोजन का ग्लाइसिमिक इंडेक्स, और दूसरा जितनी आप सर्विंग खा रहे हैं, या आप 10 ग्राम खा रहे हैं, 50 ग्राम खा रहे हैं, 100 ग्राम खा रहे हैं, उस कंटेंट में कितना ग्लूकोज होगा, इससे हम ग्लाइसिमिक इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि आपका जो भी ग्लाइसिमिक इंडेक्स है उस भोजन का, वो नंबर, और उसको हम 100 से जो है वो डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसको हम जितना उसके अंदर ग्लूकोज होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से इसका ग्लाइसिमिक लोड निकल के आ जाता है। तो जितना कम ग्लाइसिमिक लोड होगा, वही भोजन आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, यही फल आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा डायबिटिक मरीजों के लिए, वो इसको आसानी से खा सकते हैं। जितना ज़्यादा ग्लाइसिमिक लोड होगा, वो आपके लिए नुकसानदेह है या आपको उससे बचना चाहिए। तो ग्लाइसिमिक लोड के आधार पर आप ऐसे फल चूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, जिनका ग्लाइसिमिक लोड 5 से कम आता है एक सर्विंग का। तो आपको सर्विंग भी उसी तरीके से डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बड़ी सर्विंग लेंगे तो उसका ग्लाइसिमिक लोड ज़्यादा हो जाएगा। आप जब भी कोई भोजन लें, जब आपको कोई फल खाने की इच्छा हो, तो देख लें कि उसका ग्लाइसिमिक लोड कितना बनेगा। तो आइए पहले बात कर लेते हैं ऐसे भोजन जिनको आपको नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले मैं लूंगा अंगूर। अंगूर का जो ग्लाइसिमिक इंडेक्स है वो 65 यानी कि 65 होता है, यानी कि बहुत तेज़ी से आपके शरीर में, खून के अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है और आपका शुगर तेज़ी से बढ़ सकता है, इसलिए उसको खाने से अवॉइड करना चाहिए। हालांकि इसका जो ग्लाइसिमिक लोड है वो करीब 14.75 के आसपास होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्विंग का साइज क्या है। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों मैं लूंगा चीकू का। चीकू का भी जो ग्लाइसिमिक इंडेक्स है वो 61 होता है, तो ये भी आपको खाने से बचना चाहिए। इसका ग्लाइसिमिक लोड 16 होता है और ये भी खाने के बाद आपके ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है। तीसरा ऐसा फल जिसको आपको खाने से बचना चाहिए वो होता है मैंगो, जिसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स 56 होता है। हालांकि इसका जो ग्लाइसिमिक लोड है फिर भी थोड़ा सा कम है, करीब 9 के आसपास इसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स होता है, लेकिन आप जब आप खाने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। थोड़ा बहुत खाने में, टेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा खाएंगे तो उसका ग्लाइसिमिक लोड भी कम रहेगा। उसके अलावा पका हुआ अंजीर। अंजीर का भी जो ग्लाइसिमिक इंडेक्स है वो काफ़ी हाई है, 61 होता है। ये इसके अंदर जो ग्लूकोज है वो भी काफ़ी तेज़ी से आपके शरीर में एब्जॉर्ब होता है, जिसका ग्लाइसिमिक लोड जो है वो 16 होता है। और पांचवा फल होता है कस्टर्ड एप्पल। आप कस्टर्ड एप्पल को भी ना खाएं, क्योंकि इसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स 54 होता है, तो इसके अंदर भी जो शुगर है, जो चीनी है, वो काफ़ी तेज़ी से एब्जॉर्ब होती है। ये तो हमने बात कर ली उन पांच फलों के बारे में जिनको हम नहीं खाना चाहिए, कस्टर्ड एप्पल, आम, अंगूर, चीकू, अंजीर। अब हम बात करेंगे उन फलों के बारे में जिनको शुगर के मरीज खा सकते हैं।
तो ऐसे फल जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 से कम हो और ग्लाइसेमिक लोड करीब 5 से कम रहे, वो ब्लड शुगर के मरीजों के लिए काफ़ी हद तक सेफ होते हैं और आप इनको खा सकते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि आपको जो सर्विंग है, जो क्वांटिटी है, वो लिमिटेड रखनी है। अगर आप किसी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स या कम ग्लाइसेमिक लोड के फल को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं और आपका ग्लूकोज का कंटेंट ही बढ़ जाता है, तो वो भी नुकसान करेगा। तो आपको खाना है, लेकिन इनको लिमिट में खाना है और इनको आप आराम से खा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे पहला फल है ग्रेप फ्रूट, जिसको चकोतरा कहते हैं। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 25 है और इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 5 के आसपास होता है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रोज़ भी खा लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। बट हाँ, कोशिश करें कि जितना भी आप शुगर इससे लेंगे उसको कंपनसेट करें बाकी दूसरे भोजनों से, उतने शुगर की मात्रा को घटा के रखें। दूसरा चेरीज, चेरीज के अंदर भी जो है शुगर की मात्रा कम होती है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो करीब 20-22 के आसपास होता है और जो ग्लाइसेमिक लोड है वो करीब 3 के आसपास होता है। तो आप इनको भी खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में, सावधानी के साथ। तीसरा होता है ग्वावा, अमरूद। अमरूद को आप आसानी से खा सकते हैं। अमरूद का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 14 होता है और जो इसका ग्लाइसेमिक लोड है वो 5 से थोड़ा कम ही। तो अमरूद आप खा सकते हैं, अमरूद खाने में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। आप दिन भर में 102 अमरूद भी खा सकते हैं। साथ ही साथ आप एप्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है, करीब 32 से 35 के आसपास, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड 5 से कम होता है। तो आप एप्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक पीस, आधा एप्पल इस तरीके से एक रोज खा सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आप अपना जितना भी ग्लूकोज ले रहे हैं इस तरह से फ्रूट्स के तौर पे, उसको कंपनसेट करें और उतना ही ग्लूकोज की मात्रा बाकी भोजन में आप कम कर ले, सो दैट आपका ब्लड शुगर ना बढ़े। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये सारे फल खाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि उसका ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, सो दैट आपका ब्लड शुगर ना बढ़े, आपकी कैलोरीज मेंटेन रहे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वाकई आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।